भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और मैच फिनिश करने की अपनी कला से पूरी दुनिया में बड़ा नाम कमाया। अब वो क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन युवा क्रिकेटर मैच फिनिश करने की उनकी कला के मुरीद हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एडम जाम्पा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे धोनी के फैंस खफा हो सकते हैं। हालांकि बाद में जाम्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया वनडे कप में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया रेडबैक्स की ओर से बल्लेबाजी में जौहर दिखाया और अपनी टीम को हैरत अंगेज जीत दिला दी। उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया और 35 रन की पारी खेली। इस पारी के चलते क्वींसलैंड को हार झेलनी पड़ी। 27 साल के एडम जाम्पा जब बल्लेबाजी करने उतरे तो रेडबैक्स टीम के साथ विकेट गिर चुके थे और जीत के लिए 27 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी। जाम्पा के साथ बल्लेबाजी के लिए जैक लेमन थे। ऐसे में जाम्पा ने कमाल कर दिया और 3 गेंद शेष रहते टीम को जीत दिला डाली। उनके बल्लेबाजी ने जो बर्न्स की कप्तानी वाली क्वींसलैंड टीम से मैच छीन लिया। मैच के बाद इंटरव्यू में जाम्पा ने कहा कि उन्हें शक है कि ऐसी पारी तो धोनी भी नहीं खेल सकते, लेकिन फिर उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसे मजाक करार दिया। एडम जाम्पा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि धोनी भी इस तरह की फिनिश कर सकते थे, मजाक कर रहा हूं, इससे काफी लोग हर्ट हो जाएंगे। सच कह रहा हूं कि मैं मजाक कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, वो इस तरह के मैच फिनिश कर देते। बता दें कि जाम्पा आईपीएल में एमएस धोनी की कप्तानी में खुद खेल चुके हैं। ये लेग स्पिनर 2016 में धोनी की कप्तानी में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के लिए भी खेल चुका है। लेकिन अब धोनी का मजाक उड़ाना कितना महंगा पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।